एक बीमारी जो हम पर काल बनकर की टूटी थी, हालांकि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, लेकिन जीवन अब पहले से काफी बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है और हम जीवन जीना शुरू कर चुके हैं। स्कूल कॉलेज खुलने लगे हैं, कंपनीज वर्क फ्रॉम होम बंद करके वापस ऑफिस से काम कराना शुरू कर चुके हैं। बच्चे भी काफी खुश हैं क्योंकि अब वो खेल कूद सकते हैं और अपने दोस्तों से भी मिल सकते हैं। सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। लेकिन क्या आपने कोरोना काल के बाद बदले हुए जीवन पर ध्यान दिया है? अगर नहीं दिया है तो हम आपको बताते हैं। कह रहे हैं कि कोविड के बाद मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें चश्मा लगना जरूरी हो गया है। पहले 2019 के पहले मैं भी चश्मा नहीं लगाती थी, जस्ट फॉर फैशन, जो भी मैंने गॉगल्स वगैरह यूज किया बस वही यूज किया। लेकिन ये जो पावर वाले स्पेक्स मेरे लगे हैं वो अब रेगुलरिटी लगने लगे हैं। आज भी मैं यहाँ पर अपना पावर इंक्रीज करवाने आई हुई हूँ और डे बाय डे कुछ ना कुछ दिक्कत मुझे लगी रहती है, जैसे आँख को लेके, क्योंकि मैं टीचर थी और मुझे बहुत ज़रूरी था कि मुझे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर काम करना ही पड़ता था, क्योंकि बच्चों के पेपर्स बनाना, पीडीएफ बनाना, ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत वर्कलोड पड़ जाता था और करीबन 8-8, 9-9 घंटा से ज़्यादा मैं कंप्यूटर पर लगी रहती थी, जिसके रेस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसके वजह से मुझे बहुत इफेक्ट करता था। और अब तो छोटे बच्चों को भी, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को भी, 8th क्लास के 9th क्लास के बच्चों को भी चश्मा लगा हुआ, इवन 1, 2 क्लास के भी बच्चों को चश्मे लगे हैं। मेरी कई कॉलीग्स भी हैं जिनको 2019 कोविड के बाद भी चश्मा लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है चश्मे के लिए। 2 साल जब कोरोना चला था तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, जिसकी वजह से लगातार 5-6 घंटे हमें फ़ोन पे, लैपटॉप पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता था। पहले मेरा आँखों का चश्मा बहुत कम था, पावर उसकी बहुत कम थी, लेकिन कोरोना के बाद उसका बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, 3 पॉइंट समथिंग हो गया, जिससे बहुत दिक्कत होने लगी। उस समय बहुत दिक्कत होती थी, आँखों से पानी आता था, सर दर्द होता था, तो बहुत झेलना पड़ा था हमें। लेकिन अब जब कोरोना ख़त्म हो गया है और ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं तो उससे बहुत राहत मिलती है। अभी चश्मा का पावर स्टेबल है, ठीक है, और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि अब कोरोना फिर से ना आए। कम एज के बच्चे भी जिनकी आंखें बहुत कमजोर हो रही है, और यहाँ तक कि हर एज ग्रुप के लोगों की, जो मतलब जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसकी जो रेज है वो हमारी रेटिना को जो है डिस्टर्ब करती है, उसकी वजह से हमारी आंखें कमजोर भी होती है। तो इस तरह के लेंसेज की डिमांड जो है कोरोना के बाद से ज्यादा बढ़ी है, जो हम लोग को कंप्यूटर ग्लासेस जो भी बोलते हैं लोग, हमें कंप्यूटर से प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, या हम मोबाइल हमारा यूज़ ज़्यादा है, तो लोग इस तरह के कस्टमर्स अब हमारे पास ज़्यादा आते हैं, और ख़ास तौर से बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे घर में गेम भी देखते हैं, मोबाइल से खेलते हैं, दुनिया भर की चीज़ें। देखिए मोबाइल जो था ना, मोबाइल तो आपके मतलब की चीज़ के लिए बनाया गया था, बहुत अच्छा इक्विपमेंट था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इतना मिसयूज कर रहे हैं मोबाइल, पेरेंट्स भी कर रहे हैं, बड़े लोग भी कर रहे हैं। इस कदर मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप, इस कदर आपके फेसबुक, इस कदर आपके गूगल छाए हुआ है कि दिन दिन भर आप सुबह से उठते ही 4 बजे भगवान का नाम लेने की जगह मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन। इन द सेम वे बच्चे बेचारों के लिए, जब माँ बाप भी यूज कर रहे हैं, दूसरे लोग भी यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मोबाइल इतना वो हो गया, और उसमें इतनी गेम्स है मोबाइल में कि वो पढ़ाई करते करते बच्चे प्रैक्टिकली नशा हो गया मोबाइल का। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और उन लोगों के लिए बेचारों के लिए, ये जो आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए कंप्यूटर पर ही काम करना, पूरे टाइम सिस्टम पर ही बैठना, उन लोगों को 6-8 घंटे बैठते हैं, तो इन सब के लिए देखिए, अब ये कहना कि मोबाइल बच्चे यूज ना करें बहुत मुश्किल काम है, और ये कहना बड़ों के लिए भी मोबाइल नहीं यूज करें ये भी प्रैक्टिकली मुश्किल ही इसलिए है कि वो नहीं मानेंगे। लोगों के अब इतना अटैचमेंट हो गया है, सब कुछ मोबाइल में चला गया, अब लैपटॉप खत्म हो गया, मोबाइल में ही सब कुछ है। मेरी राय यही है कि जो लोग बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं, या जो पेरेंट्स बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं, या जो लोग बहुत सिस्टम पर काम करते हैं, उनसे होता क्या है कि कॉन्स्टेंटली आँख को उनकी तरफ देखने से आँख के आंसू कम होने लगते हैं। जब आंसू कम, ड्राई होने लगते, जैसे ड्राई आई कहते हैं, आज से 20-30 साल पहले ड्राई आई नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, आजकल के जब हर तीसरे मरीज को हम देख रहे हैं कि आंसू उसके कम हो रहे हैं, और हम हर मरीज को बिना देखे भी आजकल ये वेट ड्रॉप जो आती हैं, टीयर ड्रॉप्स आते हैं, दे देते हैं उनको, और मरीज को आराम होने लगता है। तो मेन चीज ये है कि दवा तो जो है सो है ही, लेकिन दूसरी जो मुख्य चीज है कि जो लोग मोबाइल पर काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ना करें, आधे घंटे से ज्यादा तो ना ही करें, और अगर जब कर भी रहे हैं तो अपनी पलक को झपकाते रहें, बार बार पलक को झपका लें बीच में। और जो लोग सिस्टम पर ज्यादा देर तक काम कर रहे हैं, या मोबाइल भी बहुत देर तक काम कर रहे हैं, या टीवी बहुत वॉच कर रहे हैं,
तो वो आंख खुली रख के देखते रहते हैं, तो होता क्या है कि वो जो टियर नॉर्मली कॉर्निया को जो हमारी आंख को उसको ऊपर आ जाते हैं वो पलक चलने से, वो नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे उसकी ड्राई आई होने लगती है उसकी आंख, तो मरीज को दिक्कत होने लगती है या पेशेंट को दिक्कत या आदमी को दिक्कत होने लगती है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से इंसान की आंखें जो है वो थकती हुई नजर आ रही है। ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम का जो प्रेशर था वो अब इंसान की आंखों पर साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम चश्मा व्यवसाय की बात माने तो उनका कहना है कि लेंस वाले जो चश्मे हैं वो इन दिनों ज्यादा बिक रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो चश्मे लेकर जा रहे हैं वो 30 साल के जो उम्र के जो लोग हैं वो लेकर जा रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो स्कूली बच्चे हुए हैं। उधर अगर हम डॉक्टर्स की बात माने तो उनका कहना है कि डिजिटल वर्ल्ड जब से और क्रेज इसका बढ़ा है तब से आंखों की जो समस्या है वो ज्यादा आ रही है। ऐसे में वो हिदायत दे रहे हैं कि लोग मोबाइल फोन या टैबलेट या फिर आईफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल कम करें, नहीं तो आपकी आंखें जो हैं वो समय से पहले ही खराब हो सकती हैं। ऐसे में उन्होंने भी ये कहा है कि एक विशेष जो चश्मे आते हैं ब्लू लेंस आईज वाले वो लगा करके रखें, लेकिन जितना वो बच सकें कि वो मोबाइल का इस्तेमाल कम करें वो उतना बेहतर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर से इंसानों के लिए उनकी जो आंखें हैं वो एक मुसीबत बनी हुई है। वो जर्नलिस्ट संजीव उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, प्रयागराज।